अलग कर लेंगे, प्रॉपर्टी में dx माइनस 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ठीक है, अब देखो जो sin 2x है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या पड़ेगा, sin x का cos x, sin x का पड़ेगा cos x, cos x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस cos x प्लस प्लस cos x। हां c, अब देखो अब एक चीज ये भी ध्यान देंगे कि इसके लिए भी c लिखें और इसके लिए भी c लिखें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा फंक्शन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो केवल एक c लिख देंगे काम चल जाएगा। ठीक है, अपने सोचो अगर मान लो इसके लिए c अगर 10 होता और इसके लिए c अगर मान लो 5 होता तो क्या दोनों को सॉल्व करके 15 नहीं लिख देते, 15 लिख देते ना, उसको एक सिंगल c लिख सकते थे, इसीलिए केवल एक c का इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहां से देखो क्या मिल गया माइनस cos 2x। हां, अब एक्चुअल में x तो है नहीं, तो इसका डिवाइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बात समझ आ रही है, वहां पे क्या करते थे मल्टीप्लाई में करते थे डिफरेंशिएशन, में यहां पे डिवाइड में करेंगे, क्लियर है, समझ आ रहा है, माइनस 4 अब e की पावर में x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x रहेगा बट एक्चुअल में x नहीं था 3x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड में, सर e की पावर 3x ही होगा, हां e की पावर यहां पे 3x रहेगा। ठीक है, यहां से हो गया आगे माइनस cos x अपॉन 2x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ गया 2 माइनस माइनस 4 e की पावर में 3x अपॉन 3। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं या फिर इतने में की छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा सर 3 ले लो 6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2x cos 2x और यहां पे 8 2 यानी माइनस 8 e की पावर में 3x प्लस c इधर लिखते चलेंगे, तो यहां पे इंटीग्रेट कर दिया ना, तो यहां प्लस c लिखते चलेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू √x माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर dx। ठीक है, कैसे करेंगे, x स्क्वायर लेट करेंगे इसको, इसको पहले एक्सपेंड करो, एक्सपेंड है ना, एक्सपेंड करने से भी तो फायदा है, है कि नहीं, मतलब चाहे 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 जैसे चाहे कर सकते हैं, एक्सपेंड करने में ज्यादा सही रहेगा, तो √x a माइनस b का होल स्क्वायर करेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे रूट एक्स b के जगह पे वहां पास एक्स, देखो एक्सपेंड करने से कुछ फायदा होता है, यस सर, और देखो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से रूट हट जाएगा x, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 dx। ठीक है, अब या तो इसको अलग अलग कर लें, ऐसे लिख लें x dx, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx माइनस 2 ये हो गया 1 dx, है ना, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x का log x होता है माइनस 2 और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। अच्छा, log के बाद कोई भी चीज लिख रहे हैं तो mod क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि log कभी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं। अच्छा, ठीक है, mod कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, इसीलिए क्या करते हैं x स्क्वायर s क्यूब x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 dx, यही है ना। हां, तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो ऊपर पेयर बन रहा है, ये देखो पेयर बन रहा है, हां कॉमन ले, और x स्क्वायर कॉमन नहीं हो रहा है, यहां से कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1, इस पेयर में से दोनों में से कॉमन ले लिया, यहां पे ये हो गया x माइनस 1 dx। अब क्या हुआ, x माइनस 1 टोटल कॉमन हो जाएगा इसमें से इसमें से, अब क्या बचेगा यहां पे x स्क्वायर और यहां पे क्या मिलेगा प्लस 1, है ना, ये हो गया x माइनस 1 dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे x स्क्वायर प्लस 1, अब इसको आप सीधे कर सकते हैं x स्क्वायर dx प्लस 1 dx, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 1 का कितना हो जाएगा x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हम बना देंगे, क्या है i इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x cos x स्क्वायर x डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x की होता है हाफ केवल dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो sec को 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो यहां पे sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा ना, और cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx,
और sin upon cos क्या होता है tan square x। अब यहां से जैसे यहां पहुंचोगे तो एक चीज लिखोगे p p माइनस p p माइनस। अब p p माइनस का क्या चक्कर है, अगर कहीं पे भी tan square x लिख रहा है इसको आपको लिखना है sec square x minus 1, ठीक है। कहीं पे भी अगर tan square x लिखेगा तो sec square x minus 1 लिखना है, तो कहीं पे अगर cos square x लिखेगा तो उसको cosec square x minus 1 लिख के ही इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे अभी आप लिख दिया tan के पास tan square x तो वो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये होता है तो ये रखना पड़ता है, और एक क्लियर समझ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे sec square x minus 1 dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे sec square x dx minus 1 dx, है ना। sec square x का बाहर रखेंगे tan x होता है, 1 का x होता है plus c, ये सीधे हो रहा है। इसमें देखो मैंने कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो सीधे सीधे सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको पहले डिवाइड करना है उसके बाद कुछ करना है ना। तो cos square x से इसको भी डिवाइड करेंगे, cos square x से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो हो गया 2 upon cos square x minus 3 sin x upon cos square x dx, ये है ना। अच्छा 1 upon cos square x को बोलते हैं sec square x, तो ये हो गया 2 sec square x minus dx लिखते हैं ऐसे, हां ठीक है। माइनस 3 अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, साइन के साथ एक क्रॉस को ले लेंगे तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया tan, इसके बाद 1 अपॉन कॉस है ना sec sec, तो tan x into sec x का हो गया। अब देखो 2 तो बाहर रहेगा, sec square x का क्या होता है tan x होता है माइनस 3 sec x into tan x का क्या होगा sec x, अरे कल सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का, sec x sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x होगा, ठीक है। तो बस डिफरेंशिएशन अगर पार्ट में रह गया बात आ जाए, ये सबको आज के पूजा पाठ करना चाहिए सर। fx equal to 4 cube, अच्छा fx equal to क्या है, हां 4 से ये बॉन्ड dx fx equal to 4x cube, 4x cube minus minus 3 upon 4 3 upon 4 3 upon f power 4 अच्छा ठीक है बात सच है f2 अच्छा कुछ समझ नहीं सब राइट f2 equal to 0 then fx a f2 equal to 0 और fx की वैल्यू हमसे पूछा है f2 equal to 0 और fx की वैल्यू हमसे निकालना है fx निकालना ठीक है यानी जो fx का डिफरेंशिएशन है ये दिया गया यानी इसका इंटीग्रेशन fx होगा, हां यही ना, हां। तो हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालना, अगर हमें f पता करना है, अगर हमें fx निकालना है तो fx का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यही ना। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे 4x³ - 3x^4 dx, लिख सकते हैं कि हां, क्योंकि अगर fx का डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन fx होगा, तो मैंने वही चीज किया है fx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, क्लियर। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो 4 x cube dx minus 3 x power में minus 4 dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 ये कितना हो जाएगा x power 4 4 4 4 minus 3 ये कितना हो जाएगा x power में minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 plus c c जरूर है, तो ये 3 4 कैंसिल हो गया, हाँ कुछ कट रहा होगा, अच्छा माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, तो x पावर 4 माइनस माइनस कट गया तो प्लस बचा ना, प्लस x की पावर माइनस 3 1 अपॉन x पावर में 3 लिखते हैं, हां प्लस c, ठीक है। तो ये हो गई हमारी fx की वैल्यू, बट यहां पे बोला है f2 इक्वल टू 0, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f2 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर में 3 plus c, f2 की वैल्यू हो गई 0, 2 की पावर 4 होता है 16 plus 1 upon 8, 1 upon 8 plus c, इसको ऐड करेंगे तो 16 चौके 64 यानी 128 plus 1 यानी 129 upon 8 plus c equal to 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई minus 129 upon 8, है ना। तो आंसर हमें निकालना है fx का मान, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी हो गई x पावर 4
plus 1 upon x cube minus 129 upon